केवल एक चम्मच हल्दी के साथ में आप अपने बालों को जड़ से काला बना सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको हल्दी के साथ में एक ऐसी डाई बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपके बाल जो हैं वो जड़ से काले होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक तवा रखा है और उस पर 2 छोटे चम्मच टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी, यानी 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इस पर डाला है और इसको अच्छे से भून लूंगी। याद रहे, इसे भूनते टाइम एक तो आपकी गैस की फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए और साथ ही आप इसे लगातार चलाते रहिएगा, वरना आपकी जो हल्दी है वो जल जाएगी। हमें हल्दी को जलाना नहीं है, हमें भूनना है। तो अभी आप देख सकते हो कलर चेंज होने लगा है हल्दी का, लेकिन अभी पूरी तरह से भुनी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी जो हल्दी है वो भुन चुकी है और आप इस टाइम देख सकते हो जो टर्मरिक का कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो अभी इसे ठंडा होने देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ करके और इसे एक बर्तन में पलट लेंगे, यानी बोल में। उसके बाद में हम लेंगे 1/4 कप हेना पाउडर यानी मेहंदी। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग भी मेहंदी इसमें ऐड कर सकते हो। मेहंदी भी बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे बालों पर कलर किया जाता है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाय पत्ती वाला पानी, जो हमेशा हम मेहंदी लगाते टाइम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले से बना के रखा हुआ था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। अगर आप इस डाई को बनाने में चाय पत्ती का पानी नहीं लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाय पत्ती वाला पानी यानी टी वाटर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा कलर आएगा आपके बालों में। अभी मैंने हल्का सा मिक्स किया है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और ऐड करूँगी जिससे हमारी डाई में एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और साथ ही हमारे जो बालों का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसे वापस से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी जो हमारी डाई की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, तो इसमें मैं टी वाटर और ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कॉफ़ी को इसके साथ में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टी वाटर और ऐड करके इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट में बनाकर तैयार कर लूँगी। यानी अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको इसे पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है और 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपकी जो डाई है यानी हिना पैक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आपको बालों में लगाना कैसे है, पहले तो आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए, तब आपको इसे अप्लाई करना है। पूरे बालों में इसे जैसे आप हिना लगाते हो, डाई लगाते हो ब्रश की हेल्प से, हाथों की हेल्प से, उस तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद में आपको इसे छोड़ना है 2 घंटे के लिए अपने बालों में और उसके बाद में आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। इसमें जो हल्दी है वो क्या काम करेगी, आपके जो इनमेच्योर वाइट हेयर होते हैं उनको धीरे धीरे ब्लैक करने में हेल्प करेगी। आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद से काला होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस पैक को, डाई को एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।